और हमारे साथ हैं यहाँ के कृषि विशेषज्ञ श्री विजय कुमार सिंह जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लत्तेदार सब्जियों में, खास करके जो आगात लत्तेदार सब्जियाँ होती हैं, उसमें किस प्रकार से रोग होते हैं और उसका निदान किस प्रकार से कर सकते हैं। किसान भाइयों, आगात लत्तेदार सब्जियों की अगर बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो है आप खीरा है, झींगी है, नेनुआ है, तरोई है, उसके बाद जो है तरबूज है, खरबूज है, ये प्रमुख जो है गर्मा लत्तीदार सब्जियों लत्तीदार सब्जियां हैं जिसको किसान भाई जो है आगात लगाते हैं। और आगात जब लगाते हैं तो उसको जो है बिछड़ा का उत्पादन जो है प्रोट्रे में करते हैं या फिर जो है पॉलीटनल बना के जो है उसमें बीज की बुआई करते हैं, जिससे फसल आगात होता है और उस दरमियान जो है बहुत सारी बीमारियाँ आता है। तो अगर बीमारी की हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से एक बीमारी आता है जिसको डाउनी मिल्डू कहते हैं, मृदुला रोग आशिता कहते हैं वो बीमारी। उसके बाद जो है एक और बीमारी आता है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको जो कहते हैं पर्ण जो है आता है उसको जो है पाउडरी मिल्ड्यू जो बीमारी है। उसके अलावा जो है आपको मोजाइक वायरस भी जो है इसमें आता है। उसके अलावा जो है बैक्टीरियल जो है लीफ ब्लाइट, जिसको जो है पत्ती धब्बा रोग कहते हैं, वो भी बीमारी आता है। इसके अलावा जो है फ्यूजेरियम बिल्ट जो है जिसको हम लोग फ्यूजेरियम बिल्ट भी जो है जो मरने का शिकायत है, वो बीमारी भी जो है प्रमुख रूप से जो है लत्तीदार सब्जियों में आता है। बिल्कुल, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया कि विभिन्न बीमारियों के बारे में आपने जिक्र किया, लेकिन जो बीमारियाँ लत्तीदार सब्जियों में होती है तो उसके कुछ लक्षण उभरते होंगे, तो कल हम आपसे लक्षण जानना भी चाहेंगे कि कैसे हमारे किसान भाई पहचान सकते हैं, उसके बारे में बताएं और उसके बाद आप उसका निदान भी बताएंगे। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने रोगों के बारे में बताया तो पहला मैंने बताया कि डाउनी मिल्डू जो मृदुला आशिता जो बीमारी है, वो बीमारी जो है पत्तियों के निचले सिरे पे आप देखेंगे तो जो बैंगनी रंग का जो है धब्बा आता है और उसके चलते जो है क्या होता है कि पत्ती का ऊपरी भाग जो है पीला होने लगता है, ऊपर भाग में जो है पीला पीला धब्बा दिखाई देने लगता है और रोग जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे जो है पत्तियाँ पीला होने लगती है और जिसका नतीजा होता है कि जो है पत्तियाँ जो है समय से पहले जो है गिर जाती है। इसका प्रभाव क्या होता है कि जो है फल का उत्पादन कम हो जाता है, फल का आकार में कमी आ जाता है और जो है इसे किसान भाइयों को नुकसान होता है। तो किसान भाई इसको जो है इस तरह जो है आप पहचान सकते हैं। इसका निदान की अगर हम बात करते हैं तो निदान के लिए एक दवा जो है मेटलैक्सिल और मैंकोजेब जो बाज़ार में जो है रिडोमिल गोल्ड करके आता है, तो इस दवा का जो है 2 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में घोल बना के अगर 10 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार अगर किसान भाई इसका छिड़काव करते हैं तो ये जो है डाउनी मिल्ड्यू जो है बीमारी है उससे निदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब भी जो कोई बीमारी आता है तो सबसे पहले जो है 1-2 पौधे में जो लक्षण दिखाई देते हैं तो पहला प्रबंधन किसान भाई करेंगे कि पत्तियों को तोड़कर जो हटा देंगे, कहीं पे दबा देंगे या जला देंगे, उसके बाद जो है अगर दवा का स्प्रे करते हैं तो उसका प्रभाव जो है अच्छा पड़ता है। उसके अलावा दूसरा बीमारी जो हमने बताया था कि पाउडरी मिल्ड्यू आता है, पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी में जो क्या होता है कि पत्तियों पर आप देखेंगे सफ़ेद जो है चूर्ण जैसा जो है पाउडर दिखाई देने लगता है। ये पाउडर पत्तियों पर जमा हो जाता है, रोग का अधिकता हो जाने पर ये तना में और फल में भी चला जाता है, जिसके चलते जो है ना पौध का जो है विकास रुक जाता है, पौध का जो फल का आकार छोटा हो जाता है और नतीजन होता है कि जो है किसान भाई को जो मुनाफा मिलना चाहिए, जो पैदावार मिलना चाहिए, वो पैदावार नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, अगर इस प्रकार अगर आपके खेत में जो है पाउडर मिल्ड्यू का अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो उसका निदान के लिए सबसे पहले जो है शुरुआती दौर पे 1-2 पत्तियां आती है तो उस पर जो है हटा दें। उसके बाद जो है एक दवा है सल्फेक्स दवा को जो है 2 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में घोल बना के अगर इसका आप छिड़काव करते हैं 2 से 3 बार तो जो है पाउडर मिल्ड्यू बीमारी से किसान भाई निजात ले सकते हैं। तीसरा बीमारी जो है मोजाइक, ये विषाणु रोग है, ये विषाणु वायरस से फैलने वाला बीमारी है। तो इसका लक्षण क्या है कि देखेंगे पत्तियां जो है हल्का पीला होने लगता है और धीरे धीरे जो है पीलापन जो है बढ़ने लगता है और पत्ती का आकार जो पत्ती की कुड़ने लगता है और पत्ती का आकार छोटा हो जाता है और ये बीमारी जो है थ्रिप्स जो है एफिड के चलते जो है एफिड से जो है ट्रांसमिट होता है। इसका वेक्टर जो है एफिड है, ये एफिड जो है रस चूसने वाला कीट है, ये जो है मोजाइक जो है वायरस से संक्रमित पत्ती है उसके पत्तियों से रस चूसता है और यही जो है एफिड जो है
जो स्वस्थ पौधों में जाता है और उसको पत्तियों से रस चूसने लगता है, तो क्या होता है कि ये जो है वायरस यहाँ से स्वस्थ पत्तों तक चला जाता है। इस तरह जो है बीमारी जो है काफ़ी तेज़ी में फैलता है। तो किसान भाइयों से हमारा अनुरोध है कि अगर इस तरह का अगर लक्षण दिखाई देता है तो शुरुआती दौर में एक दो पौधा अगर आप दिखाई देता है तो उस पौधे को आप उखाड़ के कहीं दवा दीजिए या जला दीजिए, उसके बाद जो है इसमें जो है दवा का अगर प्रयोग करते हैं तो फायदेमंद होगा। इसके निदान के लिए किसान भाई जो है इमिडाक्लोप्रिड जो दवा है 17.8 उसका जो है 1 ml दवा को 3 लीटर पानी में घोल बना के जो है 10 दिन के अंतराल पे 3 बार अगर आप छिड़काव करते हैं तो मोज़ेक वायरस जैसे बीमारी से किसान भाइयों को निजात मिल सकता है।